हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हीना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में फ्रॉम साउथ गोवा। सो गाइस, टुडे आई एम टेकिंग यू टू द वेरी फेमस प्लेस इन साउथ गोवा विच इज बटरफ्लाई बीच। वी ऑल नो कि बटरफ्लाई बीच ने कितनी पॉपुलैरिटी गेन करी है साउथ गोवा में कि बहुत ही सुंदर है एंड ये सब कुछ। बस फिर मैं आज इस वीडियो में अपने तरीके से आपको दिखाने वाली हूँ कि बटरफ्लाई बीच आप कैसे जा सकते हैं, क्या वहाँ के चार्जेस है जाने के लिए, मतलब बटरफ्लाई बीच से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बट इससे पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बटरफ्लाई बीच को पहुँचने के क्या तरीके हैं। देखिए, बटरफ्लाई बीच आप दो तरीके से पहुँच सकते हैं। एक, आप ट्रैक करके वहाँ तक जा सकते हैं, मतलब थोड़ा जंगलों से आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, 40 मिनट्स 50 मिनट्स का कुछ ट्रैक होता है बटरफ्लाई बीच तक पहुँचने के लिए। एंड दूसरा, आप पहुंच सकते हैं शिप के थ्रू। जो शिप्स होती है वो आपको पेरोलिम बीच, अगोंडा बीच, इन जगहों से बड़े आराम से मिल जाएगी। इसके क्या चार्जेस होते हैं मुझे भी पता करना है, अभी मैं जाऊंगी आपको बताऊंगा। बटरफ्लाई बीच आप इन दो तरीकों से बड़े आराम से पहुंच सकते हो, या तो आप वहां पर ट्रैक करके चले जाओ या फिर आप एक शिप से भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि मैं क्या तरीका चूज कर रही हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पे शिप से जाने वाली हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैंने जितना अभी तक यहाँ लोकल से या इवन टूरिस्ट से भी जितने मैंने रिव्यूज लिए है बटरफ्लाई बीच के, सबके रिव्यूज ऐसे ही आए हैं कि लाइक इट्स ओके, इतना भी वो स्पेशल प्लेस नहीं है कि आप 40-50 मिनट्स का वहाँ पे ट्रैक करके पहुंचो। तो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग आई थिंक शिप से जाना बटरफ्लाई बीच ठीक रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक बार तो आप उस जगह को देखने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, टिक मार्क करना होता है। सो दिस इज द रीजन बाकी बटरफ्लाई बीच मैं शिप के थ्रू जा रही हूँ। ये आई थिंक सबसे सही तरीका है। ट्रैक 40-50 मिनट्स का मेरे को नहीं लगता, मुझे खुद नहीं लगता कि वो पूरा वर्थ होगा, जितना मैंने पिक्चर्स में देखा है उसको, कि वहां तक आप 40-50 मिनट का ट्रैक करके जाओ। प्लस मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ आपको पता है, तो वो थोड़ा अकेले ही मुझे ट्रैक करना पड़ेगा इतना, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ गाइस। बाकी यहाँ के भी आपको मैं चार्जेस भी बता दूंगी कि शिप के क्या चार्जेस होते हैं, किस तरह आप वहाँ पे ले सकते हो। बाकी आप पेरोलिम और अगोंडा बीच से आसानी से शिप्स मिल जाएगी आपको बटरफ्लाई बीच लेके जाने के लिए। तो बस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच करना ना कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहेगा बटरफ्लाई बीच में। एंड अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है करना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देखो, ये है पेरोलिम बीच। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ये जो कायाकिंग वाली बोट होती है इससे जा सकते हो, या फिर आप एक वो जो बड़ी वाली बोट देख रहे हो ना उससे जा सकते हो। तो ये भैया मेरे साथ है, चार्जेस बताना पहले आप, चार्जेस क्या है? अगर बटरफ्लाई जाते हैं तो 1000 पड़ेगा ये बोट, कायाकिंग वाली सर। और जो बड़ी वाली बोट है उससे 700 लेगा आपसे। 700 होगा, आपको घुमा के लाएगा, एक घंटे में वापस लाएगा, 3-4 घंटा एंजॉय कर सकते, जहाँ भी लेके जा सकते। ओके, तो मतलब इसमें कायाकिंग भी हो रही है। प्राइस यहाँ पे प्राइस आपको 1700 ये सब बोलेंगे, बट आई एम ट्राइंग टू बार्गेन इन 500 बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, बिकॉज पूरी बोट पे हम अकेले नहीं होते, और भी लोग होंगे, तो इससे कम में भी मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो पूरी जो बोट है उसमें कितने लोग हैं। एंड अदरवाइज मैं बताऊँ कि पूरी बोट अगर आप प्राइवेट भी लेके जाना चाहते हो तो ऐसा भी यहाँ पे सीन है, एंड उसके लिए रहते हैं 3000 रुपीज पूरी प्राइवेट बोट के। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ कपल्स भी ऐसे जा रहे हैं, बाकी I'm trying कि मैं 500 तक मैक्सिमम इतने में चली जाऊँ यहाँ से। वो पूरा जो ये रहेगा टूर रहेगा 1.5 घंटे तक का कुछ होगा। So guys, बोट मुझे मिल गई 500 रुपीज में, फाइनली मैंने बना लिया, मतलब और भी इसमें काफ़ी लोग हैं, तो ऑब्वियसली ये 3-4 हज़ार की इनको बड़े आराम से पड़ जाती है बोट। एंड बटरफ्लाई बीच के साथ साथ ये एक दो और जगहों को भी कवर करेंगे, कोई हनीमून बीच है और एक आइलैंड है, लेट्स सी क्या होता है। एंड आई गेस अगर ये सब कुछ 1.5-2 घंटे का टूर हो जाएगा तो बढ़ जाए। टोटो इस जैसी लग रही है, नाइस।
गाइस अब ये जो आप देख रहे हैं ये है हनीमून बीच। ये भैया यहाँ पैदल पहुँच सकते हैं हनीमून बीच पे? हाँ अच्छा, बटरफ्लाई पे जा सकते हैं, इस पे पैदल नहीं आ सकते। बटरफ्लाई पे ना एक घंटा लगता है चलते आने में। एक घंटा तो हाँ, तो ये हनीमून बीच को आप बोट से ही विजिट कर सकते हो। हम अब पहुंच रहे हैं बटरफ्लाई बीच। गाइस नाउ आई एम एट बटरफ्लाई बीच। उन्होंने जो हनीमून बीच था वो शिप से दिखाया था, कहते कि ऑप्शन होता है आपके पास, आप एक ही बीच देख सकते हो, या तो बटरफ्लाई या फिर हनीमून। छोटी सी जगह है, बस इसको नाम दिया हुआ है बटरफ्लाई बीच। एंड वही बात है कि जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक घंटा यहाँ आप ट्रैक करके आओ स्पेशली, उसके लिए ये बिल्कुल वर्थ नहीं है। यहाँ पे साफ मुझे दूर दूर तक गंदगी, मैं दिखाती हूँ आपको, गंदगी पड़ी देखने को मिल रही है। यही रिव्यूज़ मुझे लोकल्स ने दिए थे, टूरिस्ट ने दिए थे, और बाकी ट्रैवलर्स ने दिए थे जिनसे मैं मिली थी। तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं बोट से एक बार जाके देख के आती हूँ कि सीन क्या है बटरफ्लाई बीच का। आपको दिखाती हूँ थोड़ा यहाँ से एक्जैक्ट व्यू क्या आता है। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, ये सारा यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ये सारा यहाँ पे गंद है। एंड ये सारी बोट्स जो लेके आ रही है टूरिस्ट को, खाने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक शॉप, एंड वहाँ से लोग ट्रैक करके आते हैं एक एक घंटे का। एंड गार्बेज देखो गाइस, वहाँ पे भी बड़ा बड़ा गार्बेज है, जो आप कोने में देख रहे हो ये सारा गार्बेज है। दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ बटरफ्लाई बीच। बीच के किनारे इतना ज़्यादा गार्बेज। सो गाइस, बटरफ्लाई बीच के आसपास आपको यहाँ पे गार्बेज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ से समुद्र का व्यू मिलेगा, थोड़े लोग मिलेंगे। ये एक्चुअल सीन पूरा बटरफ्लाई बीच का, ठीक है। आई मीन मैं व्हाट शुड आई से नाउ, अभी फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ, जैसे भी हुआ, बट मेंटेन नहीं किया गया, ये बात सच है। बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत ही बुरी कंडीशन में, बट मेरा फ़र्ज है ये चीज़ आपको दिखाना कि लोग यहाँ पे आते हैं, देन उनका एक्सपीरियंस बैड रहता है ऑफकोर्स। एंड स्पेशली अगर आप किसी जगह पर ट्रैक करके जा रहे हो, जैसे कि हम पहाड़ों पर ट्रैक करके जाते हैं, इन रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलेंगे, अच्छी वगैरह पिक्चर्स हम क्लिक करवाएंगे सब कुछ। बट यहाँ पे अगर आप ट्रैक करके आ रहे हो, उन सारे पीछे जो ये फॉरेस्ट है, ये देखो सारा फॉरेस्ट एरिया, यहाँ से अगर आप ट्रैक करके आ रहे हो, देन यू विल गेट द सेम व्यू जो कि आपको एक किसी भी बीच से मिलेगा। एंड आसपास कोई सराउंडिंग में इतना कुछ खास नहीं है, गार्बेज है। सॉरी बट दिस इज़ अ रियलिटी, इट्स माई ड्यूटी टू शो यू। एंड रिक्वेस्ट यू गाइज कि जो भी यहाँ पे आता है यार, प्लीज़ डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स आर ओन ड्यूटी। मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं उस जगह को हम मेंटेन करें, ये सारा जो गंद है इसको हम डालें ही ना, जो भी हमारा गार्बेज होता है उसको साथ लेके जाओ प्लीज़, कि मैं खुद अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये सब आप मत करना। एंड आप देख सकते हो कि लोग कहाँ कहाँ चढ़ के पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, उनका तो भाई साहब पता नहीं कैसे गए हैं वो इतने ऊपर। इनफैक्ट गाइस, आप यहाँ से कुछ खाने के लिए मत लेना, बिकॉज बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे एक नारियल पानी का प्राइस 100 रुपीज़ था, एक चिप्स के पैकेट का प्राइस 50 रुपीज़ था, तो बहुत ही कॉस्टली था। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे, अपना खुद का आप फूड कैरी कर सकते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 15 मिनट्स या 15-20 मिनट्स वापस जा रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर ही दिया, कि रिव्यू भी शेयर कर दिया कि ये प्लेस कैसी है, वर्थ विजिटिंग
है टिक मार्क करने के लिए एक बार कर सकते हो। इस शिप से ही आना, ट्रैक करके स्पष्ट यहाँ पे मत आना। एंड बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर कोई पूछेगा रिकमेंडेशन में, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप शिप के थ्रू आ जाओ और 500 रुपीज में ऐसे कुछ देखना कि शेयरिंग में आपको मिल जाए। स्पेशली फुल आप एक बोट बुक करके मत आना, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। आई एम बैक टू पैरोलिम बीच एंड ये एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट व्लॉग आप सबके लिए था। मेनली मेरा मेन फोकस था आपको बटरफ्लाई बीच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना, क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, शिप से क्या प्राइस है। बाकी रोड से जाओगे तो वो तो आपको नॉर्मली एक्टिवा लेके रेंट करके जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद एक घंटे का ट्रैक होगा। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग। Yeah.